morning all of you. Dear student, today in 7th class we will continue our second chapter which name is Namak Ka Daroga. बेटे आज हम नमक का दारोगा पाठ को आगे कंटिन्यू करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने नमक का दारोगा पाठ को बेटे स्टार्ट किया था, यानी कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको उस चैप्टर की समरी सेंड की थी और सेकंड वीडियो में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था. तो कल हमने पढ़ा था कि मुंशी वंशीधर अपने पिताजी से शिक्षा प्राप्त करके यानी सीख लेकर घर से निकले. इनके पिताजी ने इनको सीख दी कि नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई ज्यादा हो. ये शिक्षा प्राप्त करके मुंशी वंशीधर नौकरी ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं. अच्छे मुहूर्त से घर से निकले थे तो जाते ही इनको पाठ का जैसे नाम है नमक का दारोगा, जाते ही इन्हें नमक विभाग में दारोगा पद की नौकरी मिल जाती है. नौकरी ऐसी थी जिसमें सैलरी का तो पता ही नहीं लेकिन ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा, यानी कि सैलरी भी अच्छी और ऊपरी कमाई का तो ठिकाना ही नहीं था. लेकिन वंशीधर एक कर्तव्यनिष्ठ दारोगा थे, सच्चाई के पथ पर अग्रसर होने वाले दारोगा थे. तो आज हम पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी कर्तव्यनिष्ठता को किस तरह से लोगों के सामने प्रदर्शित किया. चलिए बेटे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम इज नमक का दारोगा, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. चलिए बेटे आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को. थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा. जैसे ही मुंशी वंशीधर ने गाड़ी वालों से पूछा कि किसकी गाड़ी है, थोड़ी देर तक वो चुप रहे. आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, कुछ कानाफूसी हुई मतलब उन्होंने कानों में धीरे धीरे से बातें की. तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपीदीन की. मुंशी वंशीधर ने पूछा कौन पंडित अलोपीदीन, कि पंडित अलोपीदीन कौन है. तो वे बताते हैं दातागंज के. मुंशी वंशीधर चौंके, जैसे उन्होंने कहा ना कि वो तो दातागंज के हैं तो मुंशी वंशीधर हैरान रह गए. पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे. पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे अमीर व्यक्ति थे, सबसे प्रतिष्ठित. प्रतिष्ठित होता बेटे सम्मानित, ऐसे जमींदार थे. लाखों रुपये का लेन देन करते थे, बहुत अमीर थे. इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो ऋणी न हो. इधर छोटे से बड़े हर कोई उसका ऋणी था, चाहे छोटा हो या बड़ा हर कोई उसका ऋणी था. अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते, क्योंकि भारत देश आजाद नहीं हुआ था ना बेटे जब मुंशी प्रेमचंद ने पाठ लिखा. तो इन्होंने कहा जब भी कोई अंग्रेज अधिकारी इनके इलाके में आते, दातागंज में आते, क्या करने के लिए, शिकार खेलने के लिए, तो वे उनके यहाँ मेहमान बनकर ठहरते थे. मुंशी जी ने कहा गाड़ियां कहाँ जाएंगी. जैसे ही मुंशी जी ने पूछा कि गाड़ियां कहाँ जाएंगी, उत्तर मिला कानपुर की, ये गाड़ियां कानपुर जाएंगी. लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया. लेकिन जैसे ही मुंशी वंशीधर ने पूछा कि इन गाड़ियों में क्या भरा हुआ है, यह सुनते ही वहां शांति छा गई, सन्नाटा बिल्कुल शांति हो जाना, कोई भी जवाब नहीं मिला उनको. दारोगा साहब का संदेह और बढ़ा, तो दारोगा साहब का शक बढ़ जाता है. वे जोर से बोले हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है. तो वे पूछते हैं कि इनमें क्या लदा हुआ है. जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला. काफी बार पूछा, जब गाड़ी वालों ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह क्या करता है मुंशी वंशीधर, अपने घोड़े को गाड़ी से सटाकर यानी गाड़ी के बिल्कुल नजदीक लाकर खड़ा कर लेता है और बोरे को टटोलता है. भ्रम दूर हो गया, जो शक था संदेह था वह दूर हो गया. यह नमक के ढेले थे, इनमें क्या भरा हुआ था बेटे, नमक के बड़े बड़े मोटे टुकड़े. पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे. कई बार ऐसा होता था कि जब वो गलत तरीके से व्यापार करते हुए पकड़े जाते थे तो पंडित अलोपीदीन सजे हुए रथ पर सवार होकर आते और किस तरह से कुछ सोते कुछ जागते, मतलब इस तरह से दिखाते थे जैसे उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं है. अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं. अचानक कई गाड़ीवान आए कहाँ, पंडित अलोपीदीन के पास, और उनको जगाया. वे घबराए हुए थे, उनको जगाया और कहते हैं वो कि महाराज दारोगा ने हमारी गाड़ियां रोक दी है और घाट, घाट यानी कि
किनारा, किनारा किसका बेटे? नदी का। नदी कौन सी थी? यमुना। यमुना नदी के किनारे खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ बेटे धन, धन पर अखंड विश्वास यानी कि पूरा भरोसा था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही तो खिलौने हैं। उनकी सोच क्या थी? वे मानते थे कि संसार में न्याय है, नीति है, न्याय से संबंधित बातें हैं या न्याय है, सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, सब धन के ही खिलौने हैं। खिलौने से खेलते हैं ना, तो धन ऐसा है, मतलब उनका मानना था कि अगर हमारे पास धन है तो हम न्याय को भी अपने काबू में कर सकते हैं। इन्हें वे जैसा चाहती है नचाती है। जो लक्ष्मी है जिस तरह से वो चाहे नचा सकती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। गर्व था ना, घमंड था बेटे। गर्व के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ उनको घमंड था कि मेरे पास तो धन है, दौलत है, मैं तो उनको, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है। तो उन्होंने अपने गाड़ीवानों से कहा, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से, निश्चिंतता होता बेटे बिना चिंता के, पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई। तो यह कहकर पंडित जी बेटे बिना चिंता के क्या करते हैं, पान खाते हैं। फिर लिहाफ ओढ़ा उन्होंने, गर्म कपड़ा ओढ़ा क्योंकि सर्दी की रात थी ना। दारोगा के पास आए और आकर उनसे कहते हैं, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि हमारी गाड़ियां ही रोक दी गई। वंशीधर रुखाई से बोले, रुखाई होते बेटे गुस्से, मतलब रूखेपन से, मतलब थोड़ा सा गुस्सा क्रोध दिखाते हुए, सरकारी हुक्म, कि सरकारी हुक्म है इसलिए आपकी गाड़ियां रोक दी गई। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। तो ये मीठी बातें करते क्योंकि अनन्य वाचालता थी उनके पास बेटे, मीठी बातें करके वो काबू में कर लेते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ना तो सरकारी हुक्म को जानता ना सरकार को जानता, मेरे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं वाला? वे कहते हैं कि आपका और हमारा तो घर का मामला है, अब मैं आपसे बाहर थोड़ा ना हूं। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और आपको भेंट न चढ़ाएं। तो वे कहते हैं कि आपने बेवजह का कष्ट उठाया, यह तो हो ही नहीं सकता कि हमारी गाड़ियां यहां से जाएं और आपको भेंट न चढ़ाएं। भेंट का अर्थ है बेटे यहां पर रिश्वत, कि यहां से जाएं और आपको रिश्वत ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए अपने आप ही आ रहा था। आगे देखिए, वंशीधर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। वंशीधर पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, ईमानदारी की नई लहर थी, नया जोश था। नई जोश, नया जोश क्यों कहा बेटे लेखक ने? हाँ, क्योंकि वो अभी 6 महीने से ही, मतलब अभी नौकरी पर लगे थे। कड़क कर बोले, गुस्से से बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। कि मैं उन नमक हराम, नमक हराम होता बेटे उपकार को न माना, अपने मतलब अपने काम को ईमानदारी से न करना, वो नमक हराम होते हैं। कि मैं वह नमक हराम नहीं है, नहीं हूं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेच देते हैं। कोड़ी मतलब बहुत कम मूल्य पर अपना ईमान, ईमान बेटे अनमोल चीज है। अगर आप मनुष्य का ईमान ही नहीं है तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। देखिए, ये है मुंशी वंशीधर, ये इनके साथ जमादार गया था बेटे, जिसका नाम है बदलू सिंह, याद रखना आपको नाम। ये है पंडित अलोपीदीन और ये एक ही गाड़ीवान दिखाया है। ये जो पीछे पानी दिख रहा है ये कौन सी नदी है? ये यमुना नदी है। आप इस समय हिरासत में हैं। हिरासत होता बेटे बंदी बनाना, कैद करना। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, कायदा होता बेटे नियम, कानून के अनुसार आपका चालान होगा, चालान कटेगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। तो वे कहते हैं कि तुम इन्हें अभी हिरासत में ले लो, ये मेरा हुक्म है। जमादार का नाम भी याद रखना है, जमादार का नाम है बेटे बदलू सिंह। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। गाड़ीवान होते बेटे जो गाड़ी चलाने वाले, उनमें हलचल पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि बेटे उनके मालिक थे पंडित अलोपीदीन और पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले जाने का आदेश दे दिया गया।
पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी के जीवन में शायद यह पहला ही मौका था, कदाचित होता कभी ऐसा मौका नहीं आया था, पहला ही यह अवसर था कि इतनी कठोर बातें उनको सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, बदलू सिंह आगे बढ़ जाते हैं। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करके करते कभी नहीं देखा। पंडित जी यानी कि आलोपी दीन ने धर्म, धर्म का अर्थ है बेटे मुंशी वंशीधर, धन, धन का अर्थ है पंडित आलोपी दीन। तो पंडित जी ने धर्म को धन का यानी सच्चाई को झूठ का कह सकते हैं हम, मुंशी वंशीधर धर्म का प्रतीक है इस पाठ में और पंडित आलोपी दीन धन का प्रतीक है, ऐसा निरादर अपमान करते कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी अलहड़ लड़का है, उन्होंने सोचा कि शायद ये तो अभी अलहड़ होता मस्त मौज में रहने वाला लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, माया मोह मतलब धन के लालच में अभी नहीं पड़ा है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए हम मिट जाएंगे। बहुत दीन दया वाले भाव से कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए मैं मिट जाऊंगा, इज्जत धूल में मिल जाएगी, मेरी जितनी भी इज्जत है मान मर्यादा प्रतिष्ठा है रोब है समाज में वो सारा खत्म हो जाएगा। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, अगर आप मेरा अपमान करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, मतलब जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, कि मैं आपकी ये बातें नहीं सुनना चाहता। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। आलोपी दीन ने जिस धन को सहारा था बेटे, धन चट्टान मतलब जो हर एक मुसीबत का सामना कर सकती है, आलोपी दीन ने जिस धन को अपना सहारा समझ रखा था, स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। जो स्वाभिमान था उनका, धन दौलत का जो रोब था बेटे, उसको कड़ा प्रहार हुआ, कड़ा प्रहार लगा। किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था, लेकिन जो धन की शक्ति थी उसके पास, मतलब ज़्यादा अमीर था बेटे वो, रईस था, तो जो धन की शक्ति उसका पूरा भरोसा था, उसे अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे शेर लग रहे हो। अपने मुख्तार, मुख्तार तो बेटे जो वकील से थोड़ा नीचे होता है, सामान्य भाषा में मुनीम भी कह सकते हैं उसको, प्रतिनिधि भी कह सकते हैं, उनसे कहा कि लाला जी आप इन्हें 1000 का नोट दे दीजिए, ये इस समय भूखे शेर के समान दिख रहे हैं। वंशीधर ने गरम होकर कहा, गुस्से से कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। तो मुंशी वंशीधर वो 1000 रुपये लेने से मना कर देता है। तो बाकी कल पढ़ेंगे बेटे, आज ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से वीडियो में से रीड करना है। कोई डाउट हो तो आप बार बार वीडियो को देख सकते हो या आप क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हो।